फ्राइडे बॉलीवुड स्टार्स के लिए किसी रिजल्ट से कम नहीं है। ये एक फ्राइडे ही तो है जो बॉलीवुड एक्टर्स के करियर को डिसाइड करता है। किसी के लिए फ्राइडे लकी होता है तो किसी के लिए अनलकी। लोगों को फिल्म पसंद आई तो स्टार्स की चांदी, नहीं तो कहना ही क्या। बॉलीवुड में कुछ एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से शायद उनका लक उनका साथ नहीं दे रहा। इसके बाद तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि इन्हें अब एक हिट फिल्म की जरूरत है। चलिए नजर डालते हैं उन स्टार्स पर जिन्हें अब एक हिट की किक चाहिए। सैफ अली खान, दिल चाहता है, कल हो न हो, ओमकारा, रेस और भी कई हिट फिल्में देने वाले सैफ अली खान का फिल्मी करियर भी अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। 2013 से लगातार इनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। बुलेट राजा, हम शकल्स, हैप्पी एंडिंग, फैंटम और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रंगून बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही है। अब ऐसे में सैफ को एक हिट फिल्म की सख्त जरूरत है। विद्या बालन, अब बात करते हैं विद्या बालन की। एक समय था जब बॉलीवुड को विद्या ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी थी। फिल्म कहानी के बाद विद्या ने 6 फिल्में की लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो सकी। अब इनकी फिल्म बेगम जान आने वाली है। उम्मीद है कि ये फिल्म इस लिस्ट में शामिल न होकर एक बड़ी हिट साबित हो। कटरीना कैफ, आपको पता है कटरीना कैफ बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक हैं। लेकिन 2015 के बाद कटरीना का करियर थोड़ा डगमगाया है। उनकी फिल्म फैंटम, फितूर, बार बार देखो फ्लॉप रही। हालांकि उनकी 2 फिल्में इस साल रिलीज हो रही हैं, जग्गा जासूस और टाइगर जिंदा है। तो क्या ये दोनों फिल्में कटरीना की नैया पार लगा पाती हैं या नहीं? आदित्य रॉय कपूर, 2009 में करियर की शुरुआत करने वाले आदित्य रॉय कपूर ने आशिकी 2 और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्में दी हैं। लेकिन पिछले ही दिनों उनकी रिलीज हुई फिल्म ओके जानू हिट नहीं हो सकी और अभी तक उनके पास कोई फिल्म है भी नहीं। वेल, इनके लिए तो सबसे जरूरी है किसी फिल्म को साइन करना। श्रद्धा कपूर, एक के बाद एक लगातार 4 हिट फिल्में देने के बाद पिछले कुछ समय में श्रद्धा कपूर की 2 फिल्में रॉक ऑन 2 और ओके जानू फ्लॉप रही। अब एक हिट इन्हें भी चाहिए। उम्मीद है कि इनकी आने वाली फिल्म हसीना और हाफ गर्लफ्रेंड हिट साबित हो और ये अपने करियर में ऊंची छलांग लगा सके। कंगना रनौत, कंगना ने भी बहुत सी हिट फिल्में दी हैं, लेकिन पिछले समय से रिवॉल्वर रानी, कट्टी बट्टी, रंगून के साथ और भी कई फिल्में कंगना की फ्लॉप रही हैं। अब इन्हें भी एक हिट फिल्म का सहारा है। परिणीति चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा को आखिरी बार 2014 में किल दिल फिल्म में देखा गया था। वहीं दावत इश्क भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी। इसके बाद उन्होंने ब्रेक लिया और अब वो फिर से मेरी प्यारी बिंदु फिल्म से वापसी कर रही हैं। और हाल ही में परी ने गोलमाल अगेन की शूटिंग शुरू की है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।